सीलिंग करवानी है, सारे काम अलग अलग आदमी के होते हैं, ठीक है। अगले आदमी को सीलिंग करवानी, सीलिंग जानते हो, फाल सीलिंग बोलते हैं जो छत के नीचे लटकाई जाती है, इसके लिए उपयुक्त क्या काम आती है, ठीक है। उस सबों का अलग होता है, इलेक्ट्रिकल वालों का अलग होता है, पंखे लटकाना, लाइटिंग वगैरह। तो उसके उन सब कितने लोग हैं, चार पांच लोग होंगे, उन सब के लिए इस कमरे की लंबाई चौड़ाई होनी जरूरी है। लंबाई चौड़ाई उनके पास होने जरूर काम कर पाएंगे, उन्हें कैसे पता कि हमारे कितना लंबा चौड़ा रूम है, उन्हें अगर लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है तो कैसे करेंगे। कि इसीलिए सर्वेक्षण इसलिए जरूरी है कि जब हम कोई एक काम करते हैं तो उसका डेटा लिखित रूप से अपने पास रखते हैं, ताकि जितने भी लोग उस पर काम करें वो सारे लोग अपना वही लिखित रूप उठा लें और उसको देख कर काम कर लें। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, सबको अपने अपने लिए नापना पड़ेगा, नापना पड़ेगा भाई, बस बनाने वाला है वो अलग नापेगा, ठीक है, नाप के फिर उसके बाद वो करेगा। ऐसा नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स आपने सुना है, ये इंडेक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें बताने वाला हूँ, और भी चीजें हैं कुछ नहीं जुड़ा होगा लेकिन इसमें नहीं है। तो ये टाइप ऑफ सर्वे, सर्वे कितने प्रकार से होता है और कितने प्रकार का होता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कितने प्रकार से होता है और कितने प्रकार से हम करते हैं, ये बताने वाला इंडेक्स है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, हर चीज का एक सिद्धांत होता है, हमारे घर का भी एक सिद्धांत है, रूल है, चिकन नहीं खाना है, अंडे खाने हैं, अंडे नहीं खाना कि वो पनीर खानी है, ये भी एक सिद्धांत है। तो हर चीज का एक सिद्धांत होता है, तो इसका भी अपना एक सिद्धांत है कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही होना है, इसके अलावा तीसरा नहीं करना, ये नहीं होना। नेक्स्ट है सर्वे, सर्वे के अंदर ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लान और मैप, इसको समझना अच्छे से कि ये कैसे होता है, पूरा सर्वे इसी पे बेस्ड है, प्लान और मैप। आप लोगों ने मैप सुना होगा, यस सर, प्लान भी सुने होंगे, लेकिन प्लान और मैप को डिफरेंशिएट कर सकते हो। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, दो दिन दिखाऊंगा, आप बता सकते हैं, बड़ी सी एरिया होती है उसको छोटे से टारगेट दर्शाया जाता है, बड़ा सुनने को होता है, जैसे यूपी का मैप है और उसको हम छोटे से टारगेट में दर्शाते हैं। और जैसे जो प्लान होता है ना, प्लान ये जैसे एक छोटा सा मकान है या कोई छोटा सा रूम है, उसका जो हम एरिया नापते हैं ना बड़े से टारगेट पे या छोटे से टारगेट पे, उसको प्लान करते हैं। काम दोनों का टारगेट पे दर्शाना होता है, जब हम ये प्लान
में भी स्केल होता है, पूरे इंडिया का नक्शा इतने बड़े होता है, उसका भी एक स्केल होता है। सर्वे करते समय हमारी कौन कौन सी त्रुटियां होती है, अच्छा सामने जो कुछ लिखा है अगर आपको ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं जो बोल रहा हूँ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया कितने टाइम से हम लोग करते हैं या कितने टाइम से गलतियां होती हैं जो हम फेल में काम कर रहे होते हैं।